हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन टू यूज और रिवाइज FMEA। हम FMEA को कब रिवाइज करते हैं, हम FMEA को कब रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। मुझे ये कमेंट आया था किसी का कि इसके बारे में आप बताओ एक बार, कब रिवाइज करते हैं, तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, कब कब हम लोग FMEA को रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कब कब करते हैं। तो जो पहला है हमारा, तब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस को रीडिज़ाइन करते हैं। जब हमारा, मान लीजिए पहले प्रोसेस एस्टेब्लिश हो गया है, उसको हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तब FMEA रिवाइज किया जाता है। दूसरा स्टेप है जब कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस को नए तरीके से अप्लाई किया जाता है, तब हम लोग FMEA को रिवाइज करते हैं। मतलब जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर हमें लगता है कि इस तरीके से हम इसको चलाएँ, तो वहाँ पर भी FMEA रिवाइज किया जाता है, अपडेट किया जाता है उसको। तीसरा है जब आप नए कंट्रोल प्लान को अपडेट करते हैं अपने प्रोसेस में, जब नया कंट्रोल प्लान अपडेट होगा तो FMEA भी रिवाइज होगा। नंबर चार है जब हम किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में हम इम्प्रूवमेंट गोल का प्लान करते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, तब जाके भी FMEA को रिवाइज किया जाता है। पाँचवा स्टेप में जब हमें लगता है कि प्रोसेस में फेलियर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तब हम लोग FMEA को रिवाइज करते हैं। जैसे किसी प्रोसेस में हमें लगता है कि ये फेलियर आ रहा है बार बार, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तब हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। वैसे मैंने FMEA के ऊपर डीप में वीडियो बना रखा है पूरा डिटेल्स के साथ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।